Skills and excel in the sports. Thank you, sir. Yes, honorable member Sri Manoj Tiwari ji. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय. मुझे ये विषय मिला बोलने के लिए. वैसे तो सब लोग मुझे एक सिंगर एक्टर जानते हैं ज्यादातर, लेकिन अब मैं एक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड एमपीएड करके और अपनी यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी रहा, और मेरा पूरा जीवन स्पोर्ट्स से जुड़ा है. आज भी हम लोग पूरे देश में एक खेलों से जुड़े हुए हैं. आज जैसे ही खेल की बात चलती है तो भारत सरकार के खेल मंत्रालय को इस बात के लिए बहुत धन्यवाद दिया जाता है जो मनोबल दिया है वर्तमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने. हम बहुत पहले से चूंकि खेल के मैदान में भी रहे हैं सभापति महोदय, हमने नहीं कहीं देखा कि खेलने के लिए जाते हुए खिलाड़ियों को देश का प्रधानमंत्री मिलता हो. अभी नरेंद्र मोदी जी को ये करते देखा. फिर हमें पुराना समय याद आया, फिर जब किसी ने पदक जीत लिया, चाहे वो एशियाड हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो या फिर ओलंपिक गेम्स हो, अगर किसी ने जीत लिया पदक, उसके बाद हम लोगों को यदाकदा टीवी पर उसके घर की, उसकी माँ की, पिता की, उसकी बहन की ऐसी कोई फोटो या वीडियो दिख जाती थी. लेकिन अब हमें दिखता है कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया है और नरेंद्र मोदी जी उस विजेता से बात कर रहे हैं, और वो वीडियो वायरल होती है, तब हमें लगता है कि इस देश में खेल का भविष्य बहुत बड़ा है. लेकिन इधर ही आना है अब मेरे विपक्ष के साथ ही ये ना समझे कि मैं ये बात कह रहा हूं तो मेरे पास सुझाव नहीं होगा. इन सारी चीजों के बाद आज मैं बहुत सारे सुझाव भी अपने खेल मंत्रालय के लिए रखने वाला हूं, लेकिन ये ऐसी बातें हुई हैं जिसने मनोबल बढ़ाया है, और जब मनोबल बढ़ा है तो हमें उसकी चर्चा करनी पड़ेगी. जैसे आज हमें विवेकानंद जी की भी एक कहानी याद आ रही है. एक बार स्वामी विवेकानंद जी के पास एक दुबला पतला व्यक्ति गया, बोला हमें आपको ज्वाइन करना है, हमें संन्यास लेना है. तो स्वामी जी ने उनको ध्यान से देखने के बाद कहा कि बेहतर यह होगा कि तुम जाके पहले फुटबॉल खेलो. ये आज भी उदाहरण दे करके, और उन्होंने कहा था कि जब तक आप स्वस्थ नहीं होगे तब तक आपको किसी फील्ड में जाना आपके लिए बेहतर नहीं होगा. और फिर हम लोग अंग्रेजी में सुनते भी थे कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है. तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आज जब अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे इसी सदन का एक दिन याद है जब हम लोग मणिपुर की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का बिल पास कर रहे थे सभापति महोदय, और वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जिसका लगभग जो अच्छी मुझे अगर याद ठीक से है तो लगभग 550 करोड़ का उसका बिल था. आज उससे पूरे देश के बच्चे, अभी पीछे कुछ दिन पहले मेरे बिहार का एक बच्चा वहां से पढ़ाई करके आया और वो एक जगह अपनी ट्रेनिंग देना शुरू किया है, और वो उसकी चर्चा करने लगा. फिर मुझे गर्व हुआ कि ये सरकार बहुत अच्छे दिशा में कदम भी उठा रही है और एग्जीक्यूट भी कर रही है. एक बहुत अच्छा नियम आया है इस देश में कि जो भी कोई ग्राउंड बनाना चाहता है तो उसको देश की जो हमारी स्पोर्ट्स मंत्रालय है उसको लगभग 1 करोड़ रुपए की सहायता करती है. अब ये सुन के मुझे थोड़ा मेरे बचपन का समय याद आया. सबका समय अपने को याद आएगा जब हम लोग को गांव में खेलना होता था. सभापति महोदय आपने भी ये देखा होगा कि जब खेलना होता था तो पहले हम धान कट जाता था तो उसकी जो डंठल लगी होती थी उसको निकाल निकाल करके कुदाल फरसा लेकर के बराबर करके ईंटा से कुछ कुछ के हम लोग ग्राउंड बनाते थे, तब जाके खेलते थे, और कितने बच्चों के तो उंगलियां उसमें फट जाते थे. आज सरकार खुद अगर इस तरफ बढ़ रही है कि उन्हें भी हेल्प करना है तो ये कार्य तो बहुत अच्छा है, मगर मैं
खेल मंत्री जी से मेरा ये सुझाव होगा कि वो जो नियम है वो बड़ा सख्त है, उस नियम को थोड़ा सा हम जब सहज करेंगे तब हमें इस गांव में प्रत्येक, इस देश के प्रत्येक गांव में एक ग्राउंड देने का हमारा सपना पूरा हो सकता है, तब जाके हम लक्ष्य को पा सकते हैं। इस देश के प्रत्येक गांव में ग्राउंड होना बहुत आवश्यक है सभापति महोदय। और आप देखिए, एक गांव में अगर किसी सांसद ने या विधायक ने वॉलीबॉल का ग्राउंड बनवा दे, अगर एक फुटबॉल का ग्राउंड बनवा दे, तो उसके वोट में 1 से 1.5 करोड़, 1 से 1.5 लाख का इजाफा हो जाता है। ये छोटी सी बात को प्रधानमंत्री जी ने समझा, तभी रवि किशन जी हमारे साथी जब ये कह रहे थे कि हमने सांसद खेल महोत्सव कराया, तो ऐसा सपना तभी हो सकता है जब उसको समझा जाए। और दूसरी चीज, हमने इसका महत्व भी देखा। मैं अपने क्षेत्र में जब सांसद खेल महोत्सव करा रहा था सभापति महोदय, तो हमारे क्षेत्र की 560 8 साल से 12 तक साल तक की बच्चियां आ गईं और वो कहने लगी हमें खेलना है। मैं करा रहा था क्रिकेट का टूर्नामेंट, मैं सोचा इन बच्चियों को क्या खिलाऊं, मैंने उनकी दौड़ रख दी और 560 बच्चियों ने वो दौड़ में भाग लिया कि हमें एक्स्ट्रा एफर्ट करके सबको एक एक टी शर्ट देना पड़ा। और तब मुझे नरेंद्र मोदी जी की उन बातों का अर्थ भी समझ में आया कि खेल के द्वारा हम कैसे जुड़ सकते हैं। मगर 2-3 सुझाव मेरे आज जरूर रहेंगे, जिसके कारण आज मुझे अपने मिले हुए समय का सदुपयोग करना है। हमारे खिलाड़ी सिर्फ पदक जीतने तक ही नहीं हमको सीमित रखना चाहिए। जब एक खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है तो वो अनुशासित भी होता है। अनुशासित होने के बाद उसके अंदर हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करने की शक्ति आती है। सभापति महोदय, मेरा ये अपना अनुभव है कि अगर जिसने अपने खेल जीवन में खेल को उतार लिया, वो कभी भी बेईमान नहीं हो सकता, वो कभी भी गलत कार्य नहीं कर सकता। जैसा मेरे साथी ने कहा, वो ड्रग्स के तरफ नहीं जाएगा। और ऐसे इसके कारण हम लोगों को खेल के द्वारा हो रहे व्यक्तित्व विकास को भी ध्यान में रखना है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक ऐसा विषय है जिसको लेकर के हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित रहे हैं। इसीलिए जैसे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, यहां से हर खेल के लोगों को सहायता करने का प्रावधान है, लेकिन मेरा एक अनुभव थोड़ा सा अच्छा नहीं रहा। अपनी लोकसभा को लेकर खेल मंत्री जी बैठे हैं कि हमें एक रेसलिंग मैट के लिए 2.5 साल रिक्वेस्ट करना पड़ा, फिर भी उसका वो रेसलिंग मैट नहीं मिला। तो मैंने एक चिट्ठी भी लिखी, मेरी प्रार्थना है कि इन जो सहायता ऑलरेडी हो रही है उसको सिर्फ अधिकारी तक ही न छोड़ा जाए, उसको एग्जीक्यूट करने में उस नियमों को सरल किया जाए ताकि हम सही मायने में उसका लाभ उन लोगों को दे सकें। हम जिस रेसलिंग मैट और जिस अखाड़े की बात कर रहे हैं, वहां से हमें दिव्या सेन जैसी पहलवान मिली है जो वर्ल्ड के फोरम पे जाके भारत के लिए पदक भी लाई है। हमारे वाराणसी में, वाराणसी की एक चर्चा करना चाहता हूं सभापति महोदय। हमारे बनारस के और पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की खुशी का ठिकाना नहीं है, जब हमें 450 करोड़ का एक बजट मिला है। वहां एक सिग्रा स्टेडियम है, सिग्रा स्टेडियम को पहली बार एक बड़े अत्याधुनिक स्तर का स्टेडियम बनाने का कार्य शुरू हुआ है। मैं अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो वहां के सांसद हैं, और खेल मंत्रालय को, जिन्होंने ये बजट वहां के लिए निर्गत किया, कार्य शुरू हो गया, हमने नक्शा भी देखा है। पर मेरा इसमें छोटा सा सुझाव है, खेल मंत्री जी यहां बैठे हैं, सर बनारस में और भी बहुत सारे ऐसे ग्राउंड्स हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से वो भी अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बन सकते हैं। अगर उनको चिन्हित करके, मैं उसकी लिस्ट भी देने वाला हूं सर को, दे सकता हूं, अगर उनको शामिल कर लेंगे तो वो बहुत बड़े स्तर पे पूरे पूर्वांचल और वाराणसी क्षेत्र को एक बड़ा फायदा होगा।
जी बीएचयू ग्राउंड का ही यूनिवर्सिटी है, तो बीएचयू के तो फिर भी ठीक है, हम तो उनकी बात कर रहे हैं जो बीएचयू से बाहर के हैं आदरणीय निशिकांत जी, और बाहर के होते हुए भी वो बहुत जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंचे हैं, उनको हम ठीक कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मैं एक शारीरिक शिक्षक की पढ़ाई पढ़ा हूं, और मेरा ये मानना है कि जिस तरह से भारत की खेल नीति में परिवर्तन हुआ है, जिस प्रकार से खेल नीति खिलाड़ियों को सही मायने में फायदा पहुंचा रही है, केवल यही नहीं कि जब वो जीत जाए तभी उनसे बात हो रही है, एक जो सबसे अच्छी बात हमें दिखी कि खिलाड़ियों में जैसे ही क्षमता दिखती है, लक्षण दिखते हैं कि ये खिलाड़ी अपने जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर थोड़ा सा कुछ ऐसी क्वालिटी दिखा रहा है जिसपे थोड़ा काम करने से बड़ा यश दे सकता है भारत को, तो उस पे भी खेल मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो काम कर रहे हैं, उनको चिन्हित कर रहे हैं। फिर उनकी न्यूट्रिशन की बात आती है, हम समझते हैं इस सदन का हर साथी बहुत खुश होगा कि जो डाइट था उस डाइट को, डाइट का जो दर था, जो पैसा दिया जाता था, आज उसको भारत सरकार ने लगभग उस डाइट को 3 गुना उसका खर्चा कर दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और हम नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए बहुत धन्यवाद भी करते हैं। सभापति महोदय, लेकिन इसके साथ साथ जब हम उन खिलाड़ियों को ढूंढने के क्रम में जाते हैं, तो मेरा मानना है, हो सकता है कि हमारा सुझाव थोड़ा सा खर्चीला हो, माननीय खेल मंत्री जी उसको जरूर ध्यान देंगे, कि हमें ग्रामीण स्तर पर और जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां भी उनके सिलेक्शन के लिए, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, अभी भी बच्चों को अपने गांव से या गांव के समूह से बहुत दूर शहर जाना पड़ता है। मेरा एक सुझाव है कि क्या हम इन सिलेक्शन को कभी कभी गांव में सिलेक्टर्स को भेज सकते हैं, कभी कभी उनकी कॉम्पिटिशन जो आमतौर पे लोग, स्थानीय लोग कराते हैं या एसोसिएशंस कराते हैं, हम सभी को पता है कि हर खेल का एसोसिएशन है, तो क्या हमारी सरकार के द्वारा कुछ कोशिश हो सकती है कि हम सिलेक्टर्स को गांव-गांव या गांव के समूह तक भेजें। एक दूसरी हमारी एक छोटा सा सुझाव रहेगा, मैं कंक्लूड करने वाला हूं सभापति महोदय, दूसरा मेरा सुझाव रहेगा कि जब हम लोगों का सिलेक्शन कर रहे होते हैं, उस दौरान कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी क्षमता नहीं जान रहे होते हैं कि उनके अंदर कितनी उनकी ऊर्जा कितनी है, उनकी एजिलिटी कैसी है, ये सारी चीजों को अगर हम, जैसे गांव-गांव आजकल स्वास्थ्य सेंटर, अभी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे थे, चले गए, इस पे मैं आने वाला था कि जैसे हम लोग वेलनेस सेंटर बना रहे हैं, वेलनेस सेंटर गांव-गांव हो रहा है, तो मैं अपने खेल मंत्री जी को कहूंगा कि सर, अगर वेलनेस सेंटर पे हम खिलाड़ियों की क्षमता का भी टेस्ट करने लगे, तो जरूरी नहीं हम बीमार का ही केवल टेस्ट करें, तो भी हम एक खिलाड़ियों को लेकर के निकाल सकते हैं। और अंत में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये बातें तभी हम कह रहे हैं जब हमें आशा जगी है, और हमारी कई खिलाड़ियों से बात होती है, मैं समझता हूं इस दौर में जिस तरह से खेल मंत्रालय काम कर रहा है, नरेंद्र मोदी जी जैसे सकारात्मक रूप से इसको ले रहे हैं, हमें बहुत आशा है और आशा और बढ़ी है। आपने हमें बोलने के लिए मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।